तो बहुत से मेरे स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स ही सवाल पूछते हैं कि रिसर्च के अंदर या थीसिस के लिए लिटरेचर रिव्यू लिखना क्यों ज़रूरी है और हम क्यों लिटरेचर इतना रिव्यू करते हैं। कुछ हमें ऐसे की फैक्टर्स बताएं, हमें पता चले कि इसकी क्या ज़रूरत है और हमें कैसा लिटरेचर रिव्यू करना चाहिए और उसको किस तरीके से प्लान आउट करना चाहिए अपने रिसर्च में, उसको रिटर्न कैसे लेकर आना चाहिए। तो ये मैं आज आपसे डिस्कस करूँगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि लिटरेचर रिव्यू बहुत ज़रूरी है। आपको यू नीड टू रिव्यू द लिटरेचर टू कॉम्प्रीहेंड योर रिसर्च। तो सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे अहम बात है, वो ये है कि आपको अपना सबसे पहले तो अपना टॉपिक ही फाइनलाइज करने के लिए लिटरेचर रिव्यू की ज़रूरत होती है। यानी आपने आइडेंटिफाई करने होते हैं गैप्स जो ऑलरेडी कंडक्टेड रिसर्च में होते हैं, जो कि जस्टिफिकेशन बनते हैं आपकी रिसर्च की तरफ। तो आपको पता चलता है कि जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं, मुख्तलिफ आर्टिकल्स पढ़ते हैं रेलिवेंट टू योर रिसर्च, तो आपको पता चलता है रिसर्च गैप कहाँ है। सो आपकी रिसर्च ही जस्टिफिकेशन बनती है और साथ साथ क्या होता है कि आपको पता चलता है कि आपने अपना टॉपिक रिफ्रेस कर लेते हैं। सो दूसरी जो अहम चीज़ है वो है कि आप डुप्लीकेशन से बचते हैं, यानी आप एग्जैक्टली वही रिसर्च रेप्लीकेट नहीं कर रहे होते जो हो चुकी है। सो आप उसके लिए आपको रिसर्च करने के लिए और न्यू रिसर्च में कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए ज़रूरत है रिव्यू करने की लिटरेचर को। जब आप लिटरेचर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कितना काम हो चुका है और आप अब एग्जिस्टिंग नॉलेज में कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। फिर आपको कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए, यानी अब आपने टॉपिक बना लिया अपना वो भी लिटरेचर पढ़ते हुए, सो अब आपको एक कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करना है, आपको बैकग्राउंड ऑफ योर स्टडी बताना है। तो उसके लिए आपको वो कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करने के लिए, उस टॉपिक के बारे में एग्जिस्टिंग नॉलेज बताने के लिए आपको लिटरेचर पढ़ने की ज़रूरत है। फिर की फाइंडिंग्स, जो पहले रिसर्च हो चुकी है उसमें जो की फाइंडिंग्स थी मुख्तलिफ रिसर्चर्स थी, वो आप उसको अच्छे से आर्टिकुलेट कर सकते हैं कि पहले क्या रिसर्चेज हो चुकी हैं और क्या क्या फाइंड आउट्स हो चुके हैं, फाइंड आउट कर चुके हैं रिसर्चर्स, और अब आप कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं अपने रिसर्च में, तो एक बैकग्राउंड बन जाता है सारा। फिर आपको ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड जो थ्योरीज हैं वो थ्योरीज पढ़ने को मिलती हैं लिटरेचर पढ़ने से ही, और आप एक अच्छा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बना लेते हैं। सो अपना थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क अपनी रिसर्च का बिल्ड करने के लिए और रेलिवेंट थ्योरीज और मॉडल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी आपको लिटरेचर ही पढ़ना है। फिर उसके बाद मेथडोलॉजिकल इंसाइट्स आपको मिलते हैं कि कैसी मेथडोलॉजी होनी चाहिए और ऑलरेडी कैसे कैसे अगर इस तरह से रिसर्च हुई, इस टॉपिक पे कहीं काम हुआ है, तो किस तरह के मेथड्स उन्होंने इनकॉर्पोरेट किए, और अब आप जो रिसर्च करने जा रहे हैं तो उसमें किस तरह के मेथड इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको लिटरेचर ही देखना पड़ेगा। फिर अपनी रिसर्च की क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए भी आपको लिटरेचर रिव्यू करने की ज़रूरत होती है, ताकि आप अपनी फील्ड के अंदर जो भी ऑलरेडी काम हुआ है उससे आप इंगेजमेंट पैदा कर सकें और अपनी जो अपनी रिसर्च की क्रेडिबिलिटी है उसको इन्हांस कर सकें जब आप कोट करेंगे डिफरेंट रिसर्चर्स को। फिर अपने आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, जाहिर है जब तक आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को दलीलों के साथ सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक आप कैसे अपनी क्रेडिबिलिटी बना सकते हैं, तो आपको अपने आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए भी सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो आपको साइट करना पड़ेगा डिफरेंट रिसर्चर्स को जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। फिर जब आप उनको साइट कर रहे होंगे तो आप की ऑथर्स को और उनके वर्क को उसको आइडेंटिफाई कर रहे होंगे, इतना पता चलेगा कि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, ये जो आपका एरिया ऑफ रिसर्च है उसमें कौन कौन से ऑथर्स हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं और एस्टैब्लिश्ड काम कर रहे हैं, और आप उसमें और क्या क्या काम हो चुका है उसमें, आप कैसे उस काम में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। फिर आपका जो रिसर्च डिज़ाइन है वो भी आपका बनता है, जो आप लिटरेचर रिव्यू पढ़ रहे होते हैं तो आपको एक रिसर्च डिज़ाइन समझ में आ रहा होता है कि मैंने इस डिज़ाइन पर या इन मेथड्स को इनकॉर्पोरेट करते हुए इस थ्योरी के साथ एक रिसर्च डिज़ाइन बनाना है। ये सब बातें तो जरूर आपको पता चलें कि लिटरेचर रिव्यू क्यों होना चाहिए। अब इन सब बातों को सामने रखते हुए आपको ये भी बताते चलूँ कि लिटरेचर रिव्यू के मेन कॉम्पोनेंट्स क्या होने चाहिए। सबसे पहले आपके लिटरेचर रिव्यू जब आप स्टार्ट करें तो आप उसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें, यानी आप साइट करते हुए बताएं कि आपके टॉपिक में कैसे कैसे काम हो रहा है। फिर आपकी उसकी इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी आती है आपके लिटरेचर की, सो जो आप रिव्यू कर रहे थे, तो उसकी अप्रोचेज हैं उस बॉडी को बनाने की, जो आपका पूरा टेक्स्ट होता है। एक तो है थीमेटिक अप्रोच, कि आप अपनी जो की थीम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स को और फिर उनके अंदर आप लिटरेचर को डिस्कस करते जाते हैं। दूसरा तरीका ये होता है, वो है क्रोनोलॉजिकल अप्रोच, यानी आप क्रोनोलॉजिकली चलते हैं और देखते हैं कि कब से क्या क्या काम होता जा रहा है, पहली थ्योरी क्या आई, फिर कैसे काम होता गया, और आप
उसको काम के जब जब वो आता रहा उस वक्त के अतबार से, उन ईयर्स के अतबार से आप क्रोनोलॉजिकली अपने रिसर्च को, अपने लिटरेचर को साइट करते जाते हैं। तीसरा चीज़ क्या होती है, मेथडोलॉजिकल अप्रोच, यानी आप देखते हैं मेथड्स क्या यूज़ हुए उस रिसर्च के अंदर और कैसे कैसे मुख्तलिफ मेथड्स यूज़ होते गए और अब आप अपने मेथड को कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे। फिर थ्रेटिकल अप्रोच, जिसमें आप मुख्तलिफ थेरीज को इस्टेब्लिश करते हुए आते हैं। कुछ लोग थ्रेटिकल फ्रेमवर्क का जो चैप्टर है वो अलग बनाते हैं, लेकिन लिटरेचर के अंदर भी आपको थेरीज को साइट करना होता है, क्योंकि वो भी तो लिटरेचर से ही आ रही है ना थेरीज जिन्होंने काम किया पहले। तीसरा पार्ट होता है इंट्रोडक्शन, दे लिया बॉडी बन गई आपके लिटरेचर रिव्यू वाले चैप्टर की, और अब लास्ट पार्ट है आपका कंक्लूजन, यानी आप अपने लिटरेचर रिव्यू को कंक्लूड कर रहे हो। उसके लिए आपको हेडिंग देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अपनी जो भी आपको की फाइंडिंग्स मिली जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर में थी, या जो कुछ भी आपने रिसर्च गैप्स डिस्कस किए और मुख्तलिफ एरियाज ऑफ रिसर्च हाईलाइट किए, उन सबको आप समराइज करके लिख देते हैं। आखिर में ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि आपने सारी साइटेशंस इन टेक्स्ट साइटेशन करनी है, और उन साइटेशंस को एंड में रेफरेंसेस में साथ साथ आप लिखते जाएंगे, तो सारे रेफरेंसेस आप साथ साथ देंगे, तो इस तरह आपका लिटरेचर रिव्यू बहुत बेहतरीन होगा और आपकी वजह भी सामने आपको समझ में आ जानी चाहिए कि लिटरेचर रिव्यू के बगैर रिसर्च हो ही नहीं सकती। यहाँ तक कि कुछ रिसर्चेज ही ऐसी होती हैं जो होती ही लिटरेचर रिव्यू की बेस पे, यानी वो लिटरेचर को रिव्यू करते हुए आप देखते हैं कि उस वक्त क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, और इस तरह एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करते हैं लिटरेचर को बेस बनाते हुए। सो लिटरेचर रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ इसको कैसे किया जाना चाहिए ये भी आपको आज की वीडियो में पता चला।